सो हे गाइस वेलकम बैक सभी को। तो आज हम गाइस बात करने वाले कैसे आप लोग वेपन गैलरी टाइटल लगा सकते हो आपका नेम के ऊपर, यानी कि कुछ इस तरह से आप लोग देख सकते हो आपका नेम आता है, उसके बाद ऊपर में आपका स्टेट आता है एंड इसके बाद यहाँ पे कुछ गन का नेम, उसके बाद कुछ नंबर आता है। तो इस तरह का जो बैजेस होता है ना, यहाँ पे फीडबैक के अंदर न्यू आया है, बहुत ही मस्त दिखता है। तो इस तरह का बैज आप लोग अपने नेम के ऊपर भी कैसे लगा सकते हो एंड अगर आप लोग इंडिया का लगाना चाहते हो तो वो भी आप लोग लगा सकते हो। तो कैसे लगाना है एंड इस चीज़ के लिए आपको क्या करना है सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर पता चलेगा। अच्छा, तो आपको भी अगर ये वाला बैच लगाने आपके पास फ्री बैच नहीं है तो कैसे आप लोग एक बहुत ही अच्छा बैच लगा सकते हो इस पर आपको पता चलेगा। तो वीडियो को जोर से एंड तक देखते हैं ना, लाइक नहीं करो अभी तक तो कर लेना, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो भी कर लेना, उसके बाद एक बेल आइकन है उसको गूगल पे सेट कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते आइए देखते हैं मजा आएगा। तो सबसे पहले तो गाइस मैं आपको दिखा देता हूं जो वेपन गैलरी का बैच है आपका प्रोफाइल के अंदर कैसे दिखता है, फिर आपका नेम के ऊपर कैसे दिखता है। तो सबसे पहले आपका जो नेम रहेगा कुछ इस तरह से आपको मिलेगा, जैसे आप लोग देख सकते हो किसी भी ग्रुप के अंदर जाओगे, अगर आप लोग ग्रुप के अंदर नहीं जाते हो तो आपका यहाँ पे नेम वगैरह कुछ भी नहीं दिखाएगा, कुछ भी मतलब टाइटल वगैरह नहीं आएगा, लेकिन किसी भी ग्रुप के अंदर जाओगे वहाँ पे आपका नेम दिखाएगा एंड नेम के ऊपर आपका एक बैच मिल जाएगा जो कि आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह से क्या आएगा। यहाँ पे आपका जो भी स्टेट है सबसे पहले आपका स्टेट का नेम देखने मिलेगा एंड इसके बाद कोई यहाँ पे गन का नेम आपको मिलेगा, जो भी गन से आप लोग खेलोगे मतलब जो भी गन का आप लोग लगाना चाहते हो गन का आपका नेम मिलेगा एंड इसके बाद यहाँ पे कुछ नंबर आएगा मतलब आपका स्टेट का यहाँ पे नंबर आएगा एंड टॉप 100 तक जाते हैं मतलब टॉप 100 के अंदर आप लोग होंगे तब भी आपका नेम आएगा। अच्छा, एंड यहाँ पे जो भी आपका रैंक रहेगा मतलब 100 के अंदर जो भी आप लोग रैंक के अंदर रहोगे उस रैंक का जो नंबर रहेगा वो आपको मिल जाएगा एंड आप लोग जैसे अपने प्रोफाइल के अंदर जाओगे तो आपको इस साइड में देख सकते हो यहाँ पे आपको वेपन गैलरी का बैच देखने के मिल जाएगा एंड यहाँ पे आप लोग जैसे सेटिंग के अंदर जाओगे मतलब यहाँ पे आपको सेटिंग पे क्लिक करना है एंड उसके बाद यहाँ पे आपको वेपन गैलरी टाइटल करके मिलेगा, जैसे आप लोग देख सकते हो मेरे में यहाँ पे नहीं आ रहे लेकिन आपका अगर देखने के मिलेगा मतलब आपका अगर बैच आ जाते हैं आप लोग अगर बैच लगा सकते हो तो आपका यहाँ पे बैच आ जाएगा एंड आप लोग अपने बैच लगा पाओगे एंड अगर आपका रैंक इंडिया में भी आ रहा है एंड कोई भी आपका स्टेट के अंदर भी आ रहे हैं तो यहाँ पे दोनों को आपको ऑप्शन मिलेगा एंड दोनों में से कोई भी आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो एंड इसके बाद जो भी आप लोग सिलेक्ट करोगे आपका यहाँ पे प्रोफाइल के अंदर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे भी देखने मिलेगा एंड इसके साथ साथ जो आपका नेम है ना मतलब कोई भी ग्रुप के अंदर जाओगे तो उसके ऊपर भी आपको देखने मिलेगा एंड वेपन गैलरी का जो बैच है बहुत ही डिमांडिंग है, बहुत लोग चाहते हैं, बहुत लोग इसको वैल्यू भी करते हैं, मतलब बहुत ही सम्मान का एक चीज है। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो। तो बैच गाइस आपको कुछ इस तरह से देखने मिलेगा वेपन गैलरी का एंड कुछ स्टेप से दिखते हैं बहुत ही मस्त दिखते हैं। तो बात करते हैं आपको बैच कैसे मिलेगा, कहाँ से आप लोग लगा सकते हो अपना भी नेम के ऊपर या फिर आपका प्रोफाइल के अंदर अगर नहीं आ रहे मतलब कुछ इस तरह से आप लोग प्रोफाइल के अंदर जा रहे हो, सेटिंग के अंदर जा रहे हो एंड इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो वेपन गैलरी टाइटल करके आ रहे, तो यहाँ पे आप लोग जैसे ही जा रहे आपका यहाँ पे कोई भी नहीं आ रहा है मतलब कोई भी चीज़ कोई भी बैच वगैरह नहीं आ रहे। तो अगर ऐसे ही आपका नहीं आ रहा है एंड आप लोग लगाना चाहते हो, आप लोग चाहते हो कि आपका भी नेम के ऊपर आ जाए वेपन गैलरी का बैच, तो कहाँ से आपको मिलेगा इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए गाइस सबसे पहले आपको वेपन के अंदर जाने एंड इसके बाद यहाँ पे मस्टरी का आपको ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पे जाने, इस पे आप लोग जैसे जाओगे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हो एक ऑप्शन आ रहे तो इस पे आप लोग क्लिक करोगे, उसके बाद आप लोग यहाँ पे वेपन गैलरी के अंदर आ जाओगे एंड अगर ऐसे करके नहीं आना चाहते तो आप लोग डायरेक्टली प्रोफाइल से भी आ सकते हो, प्रोफाइल के अंदर जाने उसके बाद सेटिंग में जाने एंड उसके बाद फिर से यहाँ पे वेपन गैलरी टाइटल पे आपको क्लिक करने एंड इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा वेपन गैलरी लीडर बोर्ड करके, तो आपको इस पे क्लिक करें, इस पे आप लोग जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आप लोग लीडर बोर्ड के अंदर आ जाओगे एंड ऐसे ही आपको पता चलेगा कि आपको कैसे मिलेगा टाइटल वगैरह या फिर बैजेस वगैरह। तो देख सकते हो फिर बहुत सारे सबसे पहले तो गन आ रहे हैं, मैं आपको समझा देता हूं अच्छे से करके, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे गन मिलेगा फिर के अंदर जितने भी से गन है ना सारे गन का ऑप्शन मिलेगा एंड आपका स्टेट भी आएगा, आप लोग यहाँ पे स्टेट आप लोग देख सकते हो अपना स्टेट, जो भी आपका स्टेट रहेगा वो आप लोग ऊपर में देख पाओगे, ठीक है। एंड जो स्टेट है अगर गलत आता है तो आप लोग कैसे अपना स्टेट को सही कर सकते हो या फिर कैसे स्टेट को चेंज कर सकते हो इसके बारे में जानना चाहते हो तो इस पर वीडियो को जाकर देख सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने का कोशिश करूंगा या फिर तो आईब्रेन में आ जाएगा या फिर तो आप लोग चैनल पर भी जाकर देख सकते हो। तो सबसे पहले आपका स्टेट हो गया एंड इसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे कौन सा गन, किस टाइप का गन, किस कैटेगरी का गन आप लोग चूज करना चाहते हो, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आप लोग क्लिक करोगे, जैसे मतलब यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे गन आ जाएगा, जैसे देख सकते हो राइफल आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे कुछ यहाँ पे मशीन गन वगैरह कुछ मतलब ऐसे देख सकते हो, तो बहुत सारे स्नाइपर वगैरह पिस्तल वगैरह बहुत सारे मतलब फिर भी अंदर जितने भी सारे गन है सारे गन का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, सारे कैटेगरी आपको यहाँ पे मिल जाएगा एंड इसके बाद इस साइड में आपको ऑप्शन मिलेगा किस टाइप का गन चाहते हो मतलब कौन सा गन चाहते हो एक्जैक्टली कौन सा गन चाहते हो आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे मैंने पिस्तौल सिलेक्ट किया एंड यहाँ पे देख सकते हो पिस्तौल का जितने भी सारे गन है ना सारे आ रहे, तो ऐसे करके आपको भी ऑप्शन मिलेगा मतलब आप लोग देख पाओगे, बस यहाँ पे आप लोग देख पाओगे तो जितने भी गन है आप लोग यहाँ पे देख लो किसका कितना स्कोर है एंड स्कोर जो है आपको इस साइड में मिलेगा जैसे आप लोग देख सकते हो एंड जिसका भी नेम सबसे ऊपर रहेगा आप लोग यहाँ पे नेम वगैरह देख सकते हो एंड कहाँ से है कितना रैंक है आप लोग इधर से देख पाओगे, तो यहाँ पे सारे ऑप्शन आपको मिलेगा, तो यहाँ पे आप लोग देख लो किसका कितना ज्यादा स्कोर वगैरह है एंड जो भी गन के अंदर आपको कम स्कोर मिलेगा आप लोग उस गन को लेकर खेल सकते हो। क्या करना है बेसिकली, बस आपको गेम खेलना है, जितना ज्यादा मतलब गेम खेलोगे
करोगे उतना आपका स्कोर बढ़ता जाएगा एंड कोई भी एक पर्टिकुलर गन का आपका स्कोर बढ़ेगा, यहाँ पे वाला गन यहाँ पे आ जाएगा एंड बस आपको खेलने कुछ नहीं करने, बस आपको डैमेज देने किल करने ऐसे बस खेलने एंड इसके बाद जो आपका गन का स्कोर रहेगा वो यहाँ पे ऐड होता जाएगा एंड अगर आपका यहाँ पे स्कोर आ जाता है टॉप 100 के अंदर तो यहाँ पे आप लोग वेपन का जो बैच इसको लगा पाओगे। एंड नीचे आप लोग गाइस और एक चीज देख सकते हो, मिनिमम वेपन गैलरी रिक्वायरमेंट आप लोग देख सकते हो 1500 स्कोर आपके पास मिनिमम होना चाहिए। तो मिनिमम अगर आप लोग इस लिस्ट के अंदर आना चाहते हो तो मिनिमम 1500 तो आपके पास होना ही चाहिए। एंड इसके बाद ऊपर में आप लोग देख सकते हो कि इसका कितना ज्यादा है यूएमपी का, आप लोग देख सकते हो मेरे स्टेट के अंदर यानी कि वेस्ट बंगाल के अंदर यूएमपी का स्कोर आप लोग देख सकते हो भाई कितने सारे लोग हैं। तो यहाँ पे टॉप 100 तक आपको मिलेगा, जैसे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 100 तक ही आ रहा है तो 100 तक आपको मिलेगा। टॉप 100 के अंदर आपको आना पड़ेगा एंड जितने में सारे यहाँ पे स्कोर देख रहे हो ना इससे आपको ज्यादा स्कोर बनाना पड़ेगा, इन सबसे ज्यादा स्कोर आपके पास होना चाहिए तब भी आप लोग ऊपर आओगे एंड ऊपर आओगे तो आपका नेम यहाँ पे आ जाएगा एंड फिर आप लोग आपका प्रोफाइल के अंदर जाके जो बैच है इसको लगा पाओगे। ठीक है समरिया। तो ज्यादा आपको कुछ नहीं करने, मतलब कोई सेटिंग वगैरह या फिर कुछ भी अप्लाई नहीं करने, बस आप लोग जो गेम से ज्यादा खेलते हो, मतलब गेम तो नहीं मतलब जो गन से आप लोग ज्यादा खेलते हो उस गन से बस आपको और थोड़ा ज्यादा खेलना है एंड जितना ज्यादा खेलोगे आपका यहाँ पे स्कोर बनता जाएगा। एंड आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, बस एक गन से पूरा का पूरा गेम खेल सकते हो, मतलब बस एक गन के ऊपर पूरा का पूरा फोकस कर सकते हो एंड ऐसे करोगे जल्दी जल्दी आपका स्कोर इंक्रीज हो जाएगा। नॉर्मली खेलना चाहते हो नॉर्मली भी आप लोग खेल सकते हो, बस आपको ज्यादा ज्यादा खेलना है, ज्यादा ज्यादा आपको कोई एक गन से खेलना है एंड ऐसे करोगे स्कोर आ जाएगा, स्कोर आ जाएगा तो आपका रैंक आ जाएगा एंड रैंक यहाँ पे 100 के अंदर आ जाएगा तो आपका बैच भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको गाइस कोई गन से फर्क नहीं पड़ता, बस आपको बैच चाहिए, मतलब आपका नेम के ऊपर बस बैच दिखना चाहिए एंड कोई गन से फर्क नहीं पड़ता, आपके पास बहुत सारे टाइम है, आप लोग बहुत ज्यादा गेम खेलते हो तो क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप लोग आ जाना यहाँ पे, मतलब शॉट गन वगैरह आपको जितने भी सारे गन मिलते हैं ना सारे गन चेक कर लेने ऐसे करके एंड जो भी गन के अंदर कम स्कोर आ रहा है, मतलब जो भी गन यहाँ पे देख लो यहाँ पे स्कोर वगैरह आप लोग देख सकते हो, जैसे M82 आ रहा है स्नाइपर के अंदर AW में आ रहा है, तो यहाँ पे जितने भी सारे गन है ना आपको यहाँ पे चेक करना है एंड जिसका भी स्कोर बहुत ही कम रहेगा आपको क्या करना है ओवला गन से खेलना है, ओवला गन से खेलोगे तो आपका स्कोर ऊपर में आ जाएगा। ऐसे ट्रिक भी आप लोग यूज कर सकते हो, देखो कौन सी गन के अंदर कैसे स्कोर आ रहा है, जिसका भी स्कोर कम रहेगा मतलब जो भी गन के अंदर स्कोर कम रहेगा आप लोग उस वाले गन से खेलना एंड इसके बाद आपका जो रैंक है ऊपर में आ जाएगा, फिर आप लोग आराम से अपना जो बैज है उसको लगा सकते हो एंड बैज आपको यहाँ से मिलेगा, आपको सेटिंग में जाने वेपन गैलरी के अंदर आपको जाने फिर यहाँ पे आपको बैज मिल जाएगा, बस क्लिक करना आपका बैज लग जाएगा प्रोफाइल के अंदर एंड जब भी आप लोग कोई ग्रुप के अंदर जाओगे या फिर किसी भी चीज में जाओगे तो आपका यहाँ पे जो नेम है उसके ऊपर आपका जो बैज है वो यहाँ पे आ जाएगा भी बैज के तरह एंड बहुत ही मजा दिखता है, बहुत ही आप लोग मजे कर सकते हो उससे, भाई लोगों को दिखा सकते हो। तो कुछ यही था तरीका वेपन गैलरी का बैच लगाने का, जो भी कुछ था सब कुछ मैंने आपको बता दिया एकदम डिटेल में, मैंने आपको समझा दिया है। तो बस गाइस वीडियो इतना था, आई होप आपको वीडियो पसंद होगा, वीडियो पसंद होगा इस वीडियो को जरूर से लाइक कर लेना एंड अगर आप लोग अपना जो वेपन गैलरी का स्टेट है ना उसको चेंज करना चाहते हो तो आप लोग इस वाले वीडियो को जाकर देख लेना। तो इतना था वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना, उसके बाद एक बेल आइकन है उसको गूगल पे शेयर करना। तो बाय गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।